किसी ने बहुत खूब कहा है कि छोड़ दिया उसने मुझे गरीब समझकर, छोड़ दिया उसने मुझे गरीब समझकर, उसे पता ही नहीं प्याज का खेत है मेरा। जी हाँ, प्याज, इस समय प्याज को लेकर जो धमा चौकड़ी मची हुई है, उठा पटक मची हुई है, उसके बारे में हम सब वाकिफ हैं। लेकिन प्याज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको यकीनन पता नहीं होगा। 5 मिनट दीजिए, वो सारी बातें आपको बताता हूं जो आपके जानने के लिए बहुत दिलचस्प भी हैं और जानना जरूरी भी है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्याज कहां उत्पादन उसका होता है? प्याज का उत्पादन भारत दूसरे नंबर पर है प्याज के उत्पादन में, पहले नंबर पर है चीन। भारत में सबसे अधिक प्याज महाराष्ट्र में होती है। जी हाँ, और वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो लासलगांव मंडी है, जहां पे प्याज का सबसे बड़ा बाजार लगता है। प्याज की फसल एक साल में 2 बार होती है, 2 बार। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग इसकी फसल अलग अलग समय पर होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत प्याज पर केवल बांग्लादेश ही नहीं, भारत के प्याज पर, बल्कि बांग्लादेश के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये भी निर्भर है। यहां भी प्याज निर्यात की जाती है, लेकिन प्याज की किल्लत के चलते अभी मोदी सरकार ने प्याज निर्यात पर रोक लगा दी है। अब आते हैं कि भैया दाम क्यों बढ़ा, सबसे मुद्दे वाली चीज जो आप भी जानना चाहते हैं बिना किसी राजनीति के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जून जुलाई में सूखा पड़ा, जिसकी वजह से प्याज की बुआई नहीं हो सकी, और बुआई नहीं हुई, पानी के चलते कई जगहों पे फसल खराब हो गई, तो प्याज कम हो गई। अब दूसरी चीज, सूखे के कारण साल के पहले सेगमेंट में, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने में प्याज खराब हुई थी। इसके बाद जब दूसरी फसल प्याज की हुई, क्योंकि 2 बार साल में होती है, तो दूसरी फसल में बारिश ने प्याज की फसल को चौपट कर दिया। अब ये जो चौपट हुआ उससे क्या हुआ, उससे उत्पादन में 26 लाख टन की कमी आ गई। कितनी? 26 लाख टन। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्याज के दाम अपने आप ऊपर होंगे ही होंगे। अब दो और चीजें, दक्षिण भारत के राज्यों, खासतौर पर भारी बारिश के कारण जहां पे फसल खराब हुई वहां पे लगातार दाम बढ़ते गए। बारिश के चलते आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्याज की नई खेप जो पहुंचती थी मंडी में वो नहीं पहुंच पाई। अब आपको बताते हैं कि दाम बढ़ना शुरू कब से हुआ। जून से ही बढ़ने लगे थे दाम। जून के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो भारी बारिश हुई उससे नुकसान बढ़ा और दाम और ज्यादा उठ गया। कई चीजें हुई, बहुत सारे जो है क्या नाम है, आपके पास दुनिया भर के जो है बयानबाजी होती रही। उसमें एक बयान ये भी आया था केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का कि इस साल यानी 2019 में बारिश और बाढ़ के चलते प्याज की पैदावार 26% तक कम उसमें गिरावट हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि 65,000 टन प्याज का बफर स्टॉक था जिसमें 50% प्याज सड़ गई। अगर वो 65,000 टन में से 50% प्याज सड़ गई, सोचिए अगर वो बची होती तो क्या होता, शायद हम लोग 30 रुपए किलो के ही प्याज खा रहे होते। सरकार ने कई, मतलब बहुत सारी बातें हुई, सब कुछ किया, कई चीजें हुई जिससे जो है इसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हुई है। स्टार्टिंग से ही राजनीति हुई है। 1980 में पहली बार इस पर राजनीति हुई थी, उसके बाद 1998, 2010, 2013 और 2015 में भी प्याज पर राजनीति हुई, और एक बार तो प्याज के बढ़ते दामों के कारण दिल्ली में भाजपा की सरकार तक गिर चुकी। कुल मिलाकर कहना ये गलत नहीं होगा कि प्याज जो है इस समय किसी को भी राजनीति में खासतौर पे बहुत आंसू रुला सकती है, खून के आंसू रुला सकती है। तो एक बार फिर भैया जाते जाते कि छोड़ दिया उसने मुझे गरीब समझकर, उसे पता ही नहीं प्याज का खेत है हमारा। बहुत शुक्रिया।